आज हमारे साथ बहुत बुरा हो चुका है। हमने कभी सोचा नहीं था चंद पैसों के लिए जान से प्यारी भैंस को बेचना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों किया हमने? बात है 10 नवंबर 2023 की सुबह की 5:45 पर अपनी भैंस को लेकर चले जाते हैं बेचने के लिए। भैंस को पिकअप में बिठा के पीछे रस्सी बांधते हैं सेफ्टी के लिए। मैं भी भैंस के बीच में खड़ा हो जाता हूं ताकि भैंस को बुरा ना लगे। हमारी भैंस के आंख में आंसू आ रहे थे, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। इसके साथ 2 घंटे के सफर के बाद भैंस के हट में पहुंच जाते हैं, जहां पर अपनी भैंस को पिकअप में सुतार के चले जाते हैं। हट में जमीन में खूंटा ठोक कर अपनी भैंस को उससे बांधते हैं, उसके बच्चे को भी उसके पास में बांध देते हैं। हमारे पड़ोसी का बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, धूप बहुत ज्यादा होने के कारण अपनी भैंस को नहलाना पड़ता है ताकि उसको ज्यादा गर्मी ना लगे। भैंस के बच्चे को भी नहलाते हैं। 3 घंटे बाद हमारे मामा जी हमारी भैंस को बेच देते हैं और कस्टमर को दूध निकाल के दिखाते हैं। लास्ट में हमारा पैसों का लेन देन होता है। अपनी भैंस का पूरा पैसा लेकर मामा जी अपने हाट वाली जेब में रख लेते हैं, भैंस को बेचकर चल देते हैं घर की ओर। 1 घंटे के सफर में घर पहुंच जाते हैं। बोलिए जय श्री सीताराम।